हालांकि वो इतना एतबार वाला बंदा था कि उसकी माँ मतलब बीमार हुई तो उसको मैंने पैसे दिए कि अपनी माँ का इलाज कर ले, लेकिन आज तक मैंने उसको कभी उफ भी नहीं किया। मुझे उसने ये सिला दिया है, इतना मुझे नॉलेज होने के बाद भी मुझसे वो पेजेस कंट्रोल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैं ट्रस्ट कर बैठा था, पेज हैक नहीं हुए, पेज सिर्फ और सिर्फ मेरा ट्रस्ट तोड़ा गया है। ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है वीडियो बनाते हुए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको इग्नोर किया करें, दरगुजर किया करें। नो डाउट कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, किसी के ऊपर एतबार ना कीजिएगा, बहुत बुरी चीज़ है। मैं तो ये लॉस बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मे भी आप ये लॉस बर्दाश्त ना कर सकें। किसी का एतबार ख़राब करते हैं ना तो दिल में सबसे पहले खुदा का खौफ आ जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वो भी नहीं आया। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी का एतबार मत कीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन सिखाते हैं, किसी से कुछ चीज़ें लेते हैं या देते हैं, क्योंकि आज मुझे तकरीबन कोई 20 लाख का नुकसान हुआ है। क्यों हुआ है? यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप चेक कर ले कि मेरे इस मंथ के जितने भी पे आउट्स आने थे वो तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे पेजेस के जो पे आउट्स थे ना उनसे रिमूव कर दिया गया है बिना बताए। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि मैं फेसबुक मोनेटाइजेशन के ऊपर तकरीबन 5 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी 5 साल की मेहनत आज तकरीबन सिर्फ और सिर्फ चंद मिनटों में कोई बंदा लेके साइड पे हो गया है। और वो बंदा कोई गैर नहीं था, वो बंदा मेरा बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन था। उसको मैंने काम सिखाया, उसको मैंने मतलब अपनी टीम में रखा, उसके ऊपर मैंने पेजेस लगाए, उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया और इवन के उसकी हर ज़रूरत मैंने पूरी की। शायद वो बंदा मेरी वो वीडियो देख रहा होगा कि तारिक भाई ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो मैं उसके रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे वो वाले पे आउट्स मुझे वापस कर दो, मेरी ज़िंदगी भर की वो कमाई है, अगर उसके बदले कोई चीज़ चाहिए तो मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। बेसिकली 3 दिन पहले मुझे एक नोटिफिकेशन आता है जिसके थ्रू मुझे ये बताया जाता है फेसबुक के कि आपके पेजेस से आपको रिमूव कर दिया गया है, आपके जितने भी पे आउट्स थे उससे आपकी आईडी को रिमूव कर दिया गया है। अब उस पे आउट्स के अंदर तकरीबन हमारे जो इस मंथ के डॉलर बने थे ना तकरीबन $3,000 बने थे, और इसका मतलब यह है कि तकरीबन कोई 9-10 लाख रुपए। मुझे इन 9-10 लाख का तो कोई इतना ज़्यादा फिक्र नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर मेरे पेजेस वायरल गए हुए थे उन पेजेस के जो पे आउट लगा हुआ था मुझे उसकी फिक्र है। अगर आपके पास पे आउट है और आपके पास पेजेस हैं तो तब आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पे आउट नहीं है और पेजेस हैं तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर आप जो भी काम करेंगे जिस बंदे के पास वो पे आउट होगा वही उसका होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी के ऊपर एतबार ना कीजिएगा। जो मुझ पर बीत रही है 2 दिन से वो मैं जानता हूँ या अल्लाह पाक जानता है। हालांकि वो इतना एतबार वाला बंदा था कि उसकी माँ मतलब बीमार हुई तो उसको मैंने पैसे दिए कि अपनी माँ का इलाज कर ले, लेकिन आज तक मैंने उसको कभी उफ भी नहीं किया। मुझे उसने ये सिला दिया है, आपके सामने है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल तकरीबन अपने 4 पेआउट से हाथ धो बैठा हूँ। यकीनन अगर वो सुन रहा होगा तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वो पेजेस वापस कर दे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि मैं टीम बेस पे काम कर रहा था, सारी इन्वेस्टमेंट मेरी थी। रिसेंटली आपने यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी देखी थी जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपको पेज भी मैं दूंगा, रेंटल ट्रैफिक भी मैं दूंगा और इवन के आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी वो भी मैं दूंगा। तो उसी टीम को लेके एक हमारा बंदा हमारे साथ चल रहा था जो कि अच्छा काम कर रहा था और साथ में हमसे सीखने के साथ साथ मतलब कमा भी रहा था, लेकिन अचानक उसने रिमूव कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई है। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन अगर वो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, अल्फाज नहीं मिल रहे मेरे मुझे कि मैं आपको क्या अल्फाज बोलूँ, किस तरह आपको समझाऊँ। आज सिर्फ इतना बताऊँगा कि अगर आप भी एज ए टीम वर्क कर रहे हैं, आप किसी के टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने खुद को सिक्योर कैसे करना है। अगर आपके पेजेस हैं तो उसको खुद को सिक्योर कैसे करना है ताकि मेरी ऑडियंस जो मुझसे इतना प्यार करती है वो इस चीज़ से सबक हासिल करे और अपने लिए एक सिक्योर चीज़ साइड पर रख ले। तो 3-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ, अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक सब्र दे। बाकी ये है कि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, मुझे उसके ऊपर दुख तो बहुत है, लेकिन फिर भी मैं सब्र करूँगा और ख़ुद को रीबिल्ड करूँगा। अगर मैं पहले से 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ ना तो मैं अब भी स्टार्ट कर लूँगा।
तो सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर आप किसी भी बंदे के साथ पार्टनरशिप पे काम करते हैं ना, तो कभी भी उस बंदे को फुल एक्सेस आपने नहीं देनी। ये मेरा लिख लें, मुझसे बड़ा बंदा मतलब ट्रस्ट करने वाला बंदा कोई नहीं है। आप देख सकते हैं इतना मुझे नॉलेज होने के बाद भी मुझसे वो पेजेस कंट्रोल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैं ट्रस्ट कर बैठा था, पेज हैक नहीं हुए, पेज सिर्फ और सिर्फ मेरा ट्रस्ट तोड़ा गया है। ठीक है, मैंने किसी पे एतबार किया और उसने वो तोड़ दिया है। तो अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी के ऊपर आप एतबार ना कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कर लिया है तो उसको आपने कभी भी अपने पेजेस की या अपने पेआउट्स की फुल एक्सेस नहीं देनी। आप पेजेस की जो फुल एक्सेस है वो आप किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, उसको आपने अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर रखना है, जो कि आप इजीली बना सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने डाली हुई थी। लेकिन आप कहेंगे कि तारिक भाई आपने क्यों नहीं रखी? यार जब बंदा एक अंधा एतबार किसी के ऊपर करना है लग जाए ना, तो फिर ये चीज़ समझ नहीं आती। तो सेम मेरे साथ भी ये हुआ है, बिजनेस मैनेजर भी हमारे पास मौजूद थे लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर एतबार करके उसकी आईडी में पेजेस शिफ्ट किए विदाउट बिजनेस मैनेजर। तो इसी तरीके से आपने बिजनेस मैनेजर में अपने पेज बना लेने हैं या रख लेने हैं, उनको सिक्योर कर लेना है, फिर अगले बंदे को जो भी पेज देना उसका आप एडमिन कर सकते हैं, आपको वो रिमूव नहीं करेगा। रही बात पे आउट की, अगर आपके पास पे आउट है आपकी आईडी में तो वो बंदा आपका पे आउट मांग रहा है तो उसको किसी भी सूरत में नहीं देना। अगर आप पेज किसी को सेल कर रहे हैं तो उसको आपने पे आउट दे देना है। अगर बिना मतलब वो आपसे पेज बाय नहीं कर रहा या आपके साथ पार्टनरशिप पे काम कर रहा है तो आपने कभी भी पे आउट की एक्सेस नहीं देनी। अगर आप पेज बाय कर रहे हैं तो आपने दोनों चीज़ें लेनी है उससे, फिर उसको पेमेंट करनी है। पहला पेज का एडमिन, दूसरा पे आउट का एडमिन। दोनों चीज़ें लेने के बाद आपने उसकी आईडी को दोनों जगह से रिमूव कर देना है, फिर आपके पास वो मुकम्मल एक्सेस होगी पेज की और उसके बाद आप उसको किसी भी जगह पे सिक्योर कर सकते हैं अपनी आईडीज के अंदर। दूसरी बात यह है कि फाइनल किसी के ऊपर एतबार ना कीजिएगा, बहुत बुरी चीज़ है। मैं तो ये लॉस बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन मे भी आप ये लॉस बर्दाश्त ना कर सकें, क्योंकि मेरे पास और भी सोर्स हैं, क्रिप्टो है, यूट्यूब है, पेड प्रमोशन है, मेरा जो मतलब पेड ग्रुप्स वगैरह हैं उनके ऊपर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग हो रही है। मैं तो ये चीज़ बर्दाश्त कर जाऊंगा लेकिन आप नहीं कर सकेंगे। तो मैं सिर्फ लास्ट में यही कहूंगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है वीडियो बनाते हुए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको इग्नोर किया करें, दरगुजर किया करें। नो डाउट कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं कोई फरिश्ता तो थोड़े ही हूँ, नाउज़ बिल्ला। तो ये है कि अगर इंसान से गलती हो जाए तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ना कि उसको इतनी बड़ी सजा दीजिएगा कि उसकी मेहनत की कमाई जो कि उसने तकरीबन कुछ 4-5 साल लगा के कमाई होगी वो आप नहीं ऐसे लेके जा सकते। यकीनन आपको अल्लाह पाक ने भी पकड़ना है और आपने अल्लाह पाक के पास भी जाना है। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। होप्स हो कि आप ये चीज़ समझ ले होंगे। मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, आपसे और कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यही कहूँगा कि यार किसी के ऊपर ट्रस्ट ना कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।